नमस्कार। आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज के हमारे खबरों के सिलसिले में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबर लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज के खबरों का जो सिलसिला है हमारा, उसके अंदर हम आपके लिए आज तीन बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हमारी आज की पहली खबर रहेगी मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभा के अंदर पेश होने जा रहा है। दोस्तों, यह 4 साल के अंदर पहली बार हो रहा है जब मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कितने सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, हम आपको देंगे पूरी जानकारी। हमारी आज की दूसरी खबर रहेगी व्लादिमीर पुतिन के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वापस से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कितने सालों के लिए वापस से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज की तीसरी खबर रहेगी दोस्तों रिलायंस जियो के बारे में। हम आपको बताएंगे रिलायंस जियो का आविष्कार कैसे हुआ, मुकेश अंबानी को रिलायंस जियो बनाने का आइडिया कैसे आया, हम आपको देंगे पूरी जानकारी। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं। हमारी आज की पहली खबर है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। हम आपको बताएं दोस्तों, आज लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। हम आपको यह बताएं, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है, और ये इस पार्टी के जो संरक्षक हैं वो है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, टीडीपी आज अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, और इस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर दोस्तों कई पार्टियां हैं जो उनका साथ देने का वादा कर रही है। हम आपको बताएं उनका साथ कौन कौन दे रही है, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, और जो कई लेफ्ट पार्टी है उन्होंने वादा किया है कि वो टीडीपी का इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के अंदर साथ देगी। तो दोस्तों, इनके पास अगर 50 सांसद हुए तभी यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंदर जारी होगा। हम आपको यह जानकारी दे दोस्तों, बीजेपी यह कह रही है कि इनके पास 50 सांसदों का समर्थन नहीं होगा तो यह अविश्वास प्रस्ताव पहले ही खारिज हो जाएगा। हम आपको अब आंकड़े बता देते हैं दोस्तों, लोकसभा के अंदर टोटल मिलाकर 549 मेंबर है, जिसके अंदर बहुमत चाहिए तो उसके लिए आंकड़ा जरूरी है 270 का। हम आपको ये बताएं, भाजपा के पास 274 सदस्य है। तो दोस्तों, ऑलरेडी भाजपा समर्थन के अंदर है, मतलब अगर यह अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के खिलाफ भी जाता है दोस्तों तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुमत के लिए 270 चाहिए और बीजेपी के पास खुद की पार्टी के 274 है और बाकी उसके सहयोगी दल है। हम आपको बताएं दोस्तों, इस अविश्वास प्रस्ताव का साथ कौन कौन दे सकता है, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और श्याम चरण गुप्ता बीजेपी से बगावत कर रखे हैं। हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी बीजेपी का साथ नहीं देगी, और हमने पहले ही बताया आपको कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, ये भी बीजेपी का साथ नहीं देगी। तो दोस्तों, देखना यह है कि आज लोकसभा के अंदर क्या होता है, क्या मोदी सरकार की जो आज परीक्षा होने वाली है उसमें मोदी सरकार पास होते हैं या फेल, आज देखना है। हमारी आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, रशिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वापस से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन वास्तव में कमाल के ही शासक रहे हैं रूस के अंदर, जो वापस से जनता का विश्वास हासिल कर लिया है। हम आपको बताएं दोस्तों, उनका जो वोट बैंक है वो 2012 के मुकाबले बढ़ा है। 2012 के अंदर उनका जो वोट बैंक था वो था दोस्तों 64%, और इस बार जो उनका वोट बैंक रहा है वो रहा है 76%। दोस्तों, जनता के अंदर व्लादिमीर पुतिन का विश्वास बढ़ा है, और जनता वापस से रूस का जो सत्ता है वो 6 सालों के लिए वापस व्लादिमीर पुतिन को सौंपने जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, इस बार 76% वोट मिले हैं व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन वापस रशिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं 6 सालों के लिए। हम आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जब अभी चुनाव चल रहे थे तो एक पत्रकार ने व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि ये 6 साल होने के बाद फिर वापस से आप चुनाव लड़ोगे, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरी उम्र अब जाती जा रही है, मेरे अब 100 बरस पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरा लास्ट चुनाव हो राजनीति के अंदर। देखना है दोस्तों आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति के अंदर ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है।
हमारी आज की तीसरी बड़ी खबर है, रिलायंस जियो का आविष्कार कैसे हुआ क्या आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह सीक्रेट। हम आपको बताएंगे कि रिलायंस जियो का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ये किसने किया ये तो आप जानती हो, मुकेश अंबानी जी ने किया है, किसके कारण किया है यह आप नहीं जानते होंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी जी की जो बेटी है ईशा अंबानी, उनके कारण ही रिलायंस जियो का आविष्कार हुआ है। और रिलायंस जियो का आविष्कार हुआ था दोस्तों 2016 के अंदर, और अब तक रिलायंस जियो ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं रिलायंस जियो का आविष्कार कैसे हुआ। हम आपको ये जानकारी दे दोस्तों, मुकेश अंबानी की जो बेटी है ईशा अंबानी, वो अमेरिका में पढ़ाई करती थी, छुट्टियों के अंदर वो अपने घर पर आई हुई थी। हम आपको बताएं दोस्तों, ईशा अंबानी को कुछ डॉक्यूमेंट अमेरिका के अंदर भेजने थे ऑनलाइन के द्वारा, लेकिन दोस्तों जो उनका घर का नेट था वो नहीं चल रहा था, और चल भी रहा था तो बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा था, मतलब डॉक्यूमेंट इंडिया से अमेरिका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे। तो ईशा ने कहा कि पापा ये कैसा नेट है, ये तो कुछ चलता ही नहीं है। तो दोस्तों मुकेश अंबानी जी को हो सकता है कि ये बात दिल पर लग गई हो। आज मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और हम आपको यह भी जानकारी दे दोस्तों, रिलायंस जियो को शुरू करने के लिए मुकेश अंबानी जी ने $31 अरब रुपए खर्च कर दिए थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, इतना सारा रुपया खर्च करने के बाद मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो का आविष्कार किया अपनी बेटी के लिए। लेकिन दोस्तों भला किसका हुआ? भला हुआ दोस्तों पूरा इंडिया वालों का। हाँ दोस्तों, इंडिया वालों को मुकेश अंबानी जी ने फ्री में सीमें दी और बहुत सारा डाटा पैकेज दिया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात है, कैसे भी आविष्कार हुआ। तो दोस्तों यह है हमारी आज की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारा जो चैनल आज की खबर, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।